दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर कुमार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताऊंगा। मेरे पास एक सेट आया है, जियो F41T का सेट है, और दोस्तों इसमें प्रॉब्लम आ रही है बैटरी कनेक्टर से झंपड़ कैसे करें। दोस्तों आपको इस वीडियो में यही समझाऊंगा कि बैटरी कनेक्टर के झंपड़ कैसे करें। दोस्तों कुछ लोग बोलते हैं, सर मैंने झंपड़ तो मार दी बैटरी कनेक्टर के, पर जो NTC वाला पॉइंट होता उसका भी मैंने झंपड़ लगा दी, पर टेम्परेचर की प्रॉब्लम आने लगती है। तो दोस्तों इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? दोस्तों हम सारे बैटरी कनेक्टर के झंपड़ भी लगा देते हैं फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। और दोस्तों कुछ सेट ऐसे होते हैं जो बताते हैं, सर मैंने झंपड़ मार दिए पर मेरा सेट अभी ऑन नहीं हो रहा है। दोस्तों आज की इस वीडियो में यही बताऊंगा, जैसे कि सेट ऑन क्यों नहीं होता और क्या प्रॉब्लम है। जैसे कि मैं आपको चेक करा के दिखाता हूँ, देख रहे हैं ये वाला सेट है और इसमें जो प्लस वाला पॉइंट है मैं इस साइड पर लगाता हूँ और ग्राउंड वाला इस साइड पर, तब भी ये दोस्तों यहाँ पर शॉर्टिंग की प्रॉब्लम बता रहा है। देख रहे हैं दोस्तों, इसमें शॉर्टिंग की प्रॉब्लम बता रहा है, फुल शॉर्ट बता रहा है। दोस्तों ये देखना, फुल शॉर्ट बता रहा है मोबाइल के लिए। और इसमें दोस्तों मैं चेक करता हूँ दोबारा सही से, ये भी देखना दोस्तों शॉर्ट बता रहा है। और ये दोस्तों सेट ऑन हो जाता है, जैसे कि मेरी ये बैटरी है। कैमरे जूमिंग थोड़ा कम कर लेता हूँ जिससे कि आपको दिख जाए, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ और फिर भी दोस्तों ये सेट ऑन हो रहा है। देखना दोस्तों सेट मेरा ऑन हो गया है, और दोस्तों इसमें हाफ शॉर्टिंग की प्रॉब्लम आ रही है इसलिए दोस्तों ये प्रॉब्लम दिखा रहा है, क्योंकि मल्टीमीटर में फुल शॉर्टिंग दिखा रहा है तब भी ये सेट ऑन हो रहा है। और इसमें दोस्तों हाफ शॉर्टिंग की प्रॉब्लम आ रही है। और इसके बैटरी के कनेक्टर के झंपड़ कैसे करें और हाफ शॉर्टिंग की वीडियो बनाऊँगा मैं, अभी फ़िलहाल नहीं बनाऊँगा। अभी मैं आपको बैटरी कनेक्टर के झंपड़ समझाऊँगा कैसे आपको झंपड़ करना है। तो दोस्तों आप इससे ना डरें, क्योंकि इसमें ये वाला कैपेसिटर इसका शॉर्ट है और इसमें दोस्तों कई प्रॉब्लम होंगी आगे के लिए। मैं आपको थोड़ा जूम इन कर देता हूं, आपको बता दूं कौन सा कैपेसिटर इसका ब्रेक हो गया है। जैसे कि देखना दोस्तों, मैं यहां पे ये वाला कैपेसिटर है मिला, ये वाला देखना, ये वाला कैपेसिटर है, ये वाला कैपेसिटर मेरा फुल शॉर्ट बता रहा है। देखना ये वाला कैपेसिटर मेरा फुल शॉर्ट बता रहा है, इसलिए दोस्तों इसमें हाफ शॉर्टिंग की प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों। और ये भी दोस्तों बड़े अचंभे की बात है, जो कि मेरा सेटअप भी चल रहा है। तो दोस्तों आपको बैटरी कनेक्टर के जो झंपड़ लगाना है वो आपको सीधा सीधा बता दूं आपको, देखना प्लस वाला पॉइंट है वो तो दोस्तों इस पे लगा देना है, ठीक है। प्लस वाले की रीडिंग यहाँ पे आती है, और दोस्तों जो ये NTC वाला पॉइंट है दोस्तों ये यहाँ पे लगा देना। अगर यहाँ पे भी रीडिंग नहीं आती है दोस्तों, ये गायब हो जाए, तो दोस्तों आपको नज़दीकी से मैं समझाऊँ, थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको बता दूँ। यहाँ पे देखना एक रेजिस्टेंस लगी हुई है ब्लैक कलर की, जो आपको दिखा रहा हूँ चिमटी की मदद से यहाँ पे लगा देना। यहाँ पे नहीं लगाना है तो दोस्तों लास्ट वाली रेजिस्टेंस है बराबर में यहाँ पे, जिस चिमटी की मदद से यहाँ पे ब्लैक कलर की यहाँ पे आपको सही से लगा देना है, ठीक है दोस्तों, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और जो ग्राउंड वाला होता है दोस्तों, ग्राउंड वाला कहीं भी लगा सकते हैं, और ग्राउंड का अभी पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे झंपड़ कर देना, आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों आशा करूँगा ये वीडियो देख के आप समझ गए होंगे, तो मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। और दोस्तों इसकी शॉर्टिंग की जो हाफ शॉर्टिंग की प्रॉब्लम आ रही है, इसकी वीडियो मैं जल्दी बना के अपने चैनल पर अपलोड करूँगा, वो भी आप देखने के लिए एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय।